बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। चले आज मेरा दिल कर रहा है मैं नात पढूं, तो सारे मिल के नात पढ़ते हैं। चले ताला अल बदरु अलैना, ताला अल बदरु अलैना, आए सरकारे मदीना, लाए अनवारे मदीना, आए सरकारे मदीना, लाए अनवारे मदीना, है कदम वो से रसालत, गुलो गुलजार मदीना, है कदम वो से रसालत, गुलो गुलजार मदीना, कुंदनी रंग है गहरा, है लबासा जो सुनहरा, चांदनी रात ने पहना, तालाल बदरु अलैना, तालाल बदरु अलैना। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वॉइस पे नहीं जाना। चलो दिल था तो पढ़ लिया मिलके, जैसे भी वो वॉइस है, बस शौक है तो पढ़ ली। तो स्टार्ट कर रही हूँ अपने व्लॉग का। तो ये कल मेरे कल नहीं, हाँ कल कल मेरे हस्बैंड वापस आ गए हैं अपने टूर से, तो ये उस दिन का व्लॉग है। तो आगे जाके अवतार से स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मॉर्निंग में तो मैंने सारा काम शाम खत्म किया, मैं बड़ी थी रिलैक्स के मैं जल्दी से अपना अवतार बना लूंगी। ये मैं सहरी के लिए सालन बना रही हूँ, क्योंकि अब डेली से बना करेगा मेरे हस्बैंड सहरी में, फिर पराठे और सालन ही खाते हैं, तो फिर मैं बना रही हूँ। लेकिन ना, ये जब मैं तैयारी कर रही थी, मुझे अचानक स्कूल से कॉल आई, मुझे स्कूल जाना पड़ा। तो फिर मेरे पास जब मैं वापस आई तो बहुत कम टाइम लग गया, तो टाइम नहीं दिया मुझे चैलेंज। तो डिशेज मैंने बनानी नहीं थी और मैंने सोचा हुआ था, लेकिन मैंने कहा चलो वो, लेकिन फिर जाहिर है मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं स्कूल जाऊंगी, तो लेकिन फिर अचानक जाना पड़ा। जब वापस आई तो ये, तो फिर मैंने पास रखा सालन, ये मैं चिकन का कीमा और आलू बना रही हूँ। मैंने कहा अफतारी सॉरी सहरी में इसी तरह के सालन ही सही लगेंगे, बाकी तो नहीं। तो मैं ये बस सिंपल से तरीके से बना रहा हूँ, लेकिन इतना मज़े का बना, इतना मज़े का बना, हमने सहरी में इसको बड़े शौक से फिर खाया। तो ये मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। तो फिर इतनी देर में ना, जब मैंने ये रखा, फिर ये थोड़ा सा क्लिप पहले का, जब विशाल स्कूल से आई तो इसने फिर अपने लिए रोल बनाना था, साथ उसने फिश, मैंने फिश फ्राई होने के लिए रखी। फिर रैप तो उसने खुद ही रेडी कर लिया था, लेकिन यह है कि फिश मैंने इसको, अभी मैं इसको ना ऑयल वाली चीजों के पास जाने नहीं देती, क्योंकि फिर भी अभी छोटी है।
तो बस ये इसके अब फिश रेडी हो गई है और मेरा जो सालन है वो भी, बस इतना सा काम हुआ था तो फिर मुझे स्कूल जाना पड़ गया। बाकी का जो बाद का काम है वो फिर मैंने स्कूल से आने आने के बाद किया। तो टाइम बहुत कम था लेकिन काम ज़्यादा था। ज़ाहिर अफ्तार को, अफ्तार का टाइम वैसे बहुत ज़्यादा बिजी होता है, आपने हर चीज़ को टाइम पे रेडी करना होता है, लेकिन बस क्या करें फिर अब पता तो नहीं होता ना। तो फिर मैं जब मैं ना चूल्हा बंद करके चले गई, ये फाइनल मैंने इसको आके किया। फिर मैंने इशाल को बोला, मैंने कहा ये वही चिकन है जिसके मैंने सैंडविच रेडी किए थे, तो ये ना बॉयल हुआ पड़ा हुआ था, मैंने इसी में फिर स्पाइसीज ऐड किए। तो मैंने कहा ये पफ पेस्ट्री मेरे पास पड़ी हुई थी, कीमा वाली भी बनाती हूँ, दूसरी भी बनाती हूँ, लेकिन उस दिन ना मैंने चिकन ज़्यादा बॉयल कर लिया था। तो मैंने ईशाल को बोला कि आप मुझे ये रेडी कर दो। तो फिर मैंने फ्रिज में देखा ये धनिया, ये भी ख़राब हो रहा था, मैंने कहा ये भी फटाफट अब काट के इसको भी मैं फ्रीज कर दूँ, बजाय इसके कि मैं वेस्ट करूँ इसको फेंकूँ। तो बेहतर है कि बंदा चीज़ को यूज़ कर ले, क्या ज़रूरत है चीज़ों को वेस्ट करना, वैसे भी गुनाह है। तो ये इंशाल्लाह अब रेडी कर रही है, आप देखें शेप पे नहीं जाना, बच्चे इसी तरह सीखते हैं जैसे जैसे फिर बनाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको ये के तरीका आ जाता है। तो मैं पास फिर ये फ्रूट चाट रेडी कर ली, इसने ये कर लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो डिशेज हमने सोची हुई थी वो तो नहीं बनी, लेकिन वही होता है ना कि आपने चीज़ रेडी करके रखी हो ना तो आपको बड़ा फ़ायदा हो जाता है, आप जल्दी में कोई भी कर लेते हैं। ये इंशाल्लाह ने ये पास रेडी कर दी है, तो सही बात है छोटे बच्चे होते हैं ना, लेकिन हेल्प क्योंकि इनकी फीलिंग में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये हमारा अब अफ्तार रेडी हो गया, मैंने टेबल पे लगा दिया, मैंने एक एक समोसा सबके लिए और ये दिन के टाइम का पिज्ज़ा पड़ा हुआ था अरहम के लिए, तो अभी इतना बाद में जब गर्म करेंगे फ्रेश हो जाएगा, वो भी मैंने साथ में रख दिया। फिर मैंने फटाफट से ये दही भल्ले बना लिए, फ्रूट चाट तो डेली बनती है, और ये जो साथ ये बॉक्स में पड़ा हुआ फूड, ये हमारे हमसायों के घर से अफ्तारी आई थी वो भी मैंने साथ में रख दी। तो बाकी ये है कि सिंपल सा बस मैंने अफ्तार रेडी कर लिया। तो वैसे भी अफ्तार में इतना खाने तो होता नहीं है, तो अब सारा अफ्तार रेडी है, तो इतनी देर में मेरे हस्बैंड की भी कॉल आ गई। सम टाइम मैं उनको पिक करने जाती हूँ, लेकिन ये था कि मैं पहले ही लेट हो गई थी उधर से आने के बाद। फिर मैंने इनको बोला कि आप टैक्सी लेके आ जाएं, तो ये बच्चे देखे, बच्चे बार बार डोर, जब उनकी कॉल आई ना मैं आ रहा हूँ, बार बार डोर खोल के देख रहे थे कि अभी पहुंचे नहीं है, अभी पहुंचे नहीं है। तो बड़े सही टाइम पे पहुंचे, उधर अफ्तार लगाया, उधर बस रोजा खुलने में आई थिंक 5 मिनट थे, तो पास में ये भी पहुंच आए थे। तो ये अरहम अरहम को बड़ी मुश्किल से मैंने अंदर, क्योंकि ये डोर बांध ही नहीं कर रहा था। तो फिर मैं ये आपको वेदर दिखा रही हूँ, इतना प्यारा वेदर, इतना प्यारा वेदर, पहले भी बोल रही थी ना वेदर इतना प्यारा, तो फिर एकदम से खराब हुआ। तो आज तो बाहर गया तो आज वैसे लग रहा था जैसे समर है, इस तरह का वेदर लग रहा था। जब समर आता है तो लगता है बस अब कोई नहीं, सर्दी आनी नहीं है, स्प्रिंग अच्छा वेदर होता है, लेकिन वेदर का कोई इतवार नहीं होता। तो बस हम ये अफ्तार लगा के तो उनका वेट कर रहे हैं, अभी इंशाल्लाह ताला 1-2 मिनट में ये आ जाएंगे, तो अभी ये देखना जा पाएंगे तो। और हम उधर ही खड़े, बस ये भाग गए, इनको नजर आ गए हैं। तो और आप सुनाए आपके रोजे कैसे गुजरे हैं? तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह। तो आज से यह है कि इधर लॉन्ग वीकेंड शुरू हो गया, इनका ईस्टर है तो कल भी छुट्टी है, फिर मंडे को भी छुट्टी है, फोर छुट्टी है। तो अभी इंशाल्लाह ताला फिर इंजॉय करेंगे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में पैकिंग भी स्टार्ट कर रही हूँ, बाद में बताऊंगी कि पैकिंग क्यों कर रही हूँ, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही। तो अब रोजा खुलने लगा और पास में आपको बताती हूँ कि मैंने ना ड्राउन लेना था, मेरा दिल था कि मैं ड्राउन लूँ, उससे मैं ना सम क्लिप्स जब समर आएगा बाहर जाना है तो बनाया करूँ। तो कल हम लेने गए, लेकिन अच्छे वाले काफ़ी एक्सपेंसिव थे, मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी बोला कि आप ले लो ले लो, मैंने कहा नहीं अभी नहीं, अभी मैंने स्टार्ट किया चैनल, अभी रहने देती हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता ले लूँगी, अभी तो हम आ गए। लेकिन ना रात को मुझे अचानक याद आया कि बहुत देर पहले ना मेरे हस्बैंड ने ना 2 ड्राउन लिए थे, एक वो पाकिस्तान ले गए थे और एक ना मैंने कहा कहीं है, फिर मैंने सोचा तो मैं ये इफ्तारी के बाद आपको दिखाती हूँ, बल्कि हम मिल के नीचे से लेके आते हैं, तो वो ना कोल्ड रूम में पड़ा हुआ था। तो अब ये इस्तेमाल करूंगी तो पता चलेगा अच्छा है या नहीं, लेकिन ये है कि ये यहाँ ये ना ईशाल की कजन जब इसके आए हैं ना पापा उधर से, तो उसने इसके लिए बना के भेजी है, देख बड़ी एक्साइटेड हो रही थी। तो और हम अहमद का ये स्पीकर है, इसने अपने पापा को बोला हुआ था, बस इनको यही कुछ चाहिए स्पीकर।
माशाल्लाह रोज़ा अफ्तार कर लिया है, तो बाकी मैंने टेबल वगैरह क्लीन कर लिया है, तो इनको मैंने चाय दिया। अब मैं आई हूँ नीचे बेसमेंट में, मुझे था कि अब ये आए मैं इनको दिखाऊँ, क्योंकि मुझे तो इस्तेमाल करना पहले आएगा नहीं, यही मुझे सिखाएंगे। तो मैं ये रात का मेरे जहन में था, मैं आई मैं देख रही हूँ कि इधर पड़ा हुआ, आखिर देखते देखते ना मेरी ऊपर नजर पड़ी ये पड़ा हुआ था, तो अब मैं लेके आई हूँ। अब इन्होंने खोला, इतना अच्छा तो नहीं, आज हम कास्को गए थे उधर हमें एक पसंद आया, लेकिन मैंने कहा चलो एक दफ़ा ट्राई करते हैं, तो ये आपके साथ अनबॉक्सिंग भी करेंगे, आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कैसा है। तो फिर आगे थोड़ा सा कल इसको आउटसाइड जाके यूज करूंगी, लेकिन आज ये है कि आज इसको ना जब ट्राई किया तो घर के अंदर किया, और सारे बच्चे इतना एक्साइटेड हो रहे थे, कह रहा था पहले मैंने करना है, दूसरा कह रहा था मैंने करना है, ये अभी ओपन कर रहे हैं। मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ कि बच्चे इसको उड़ाने के लिए कितने एक्साइटेड हो रहे थे। तो इंशाल्लाह ताला क्या पता कास्को वाला ले आऊँ, मुझे कास्को वाला अच्छा लग गया, इनको भी अच्छा लग गया ले, लेकिन ये है कि अभी वक्ती तौर पे फिर मैं आगे जाके जो इसके साथ बनाऊंगी वीडियोस वो भी आपको दिखाऊंगी। तो बाकी ये है कि चलें, अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, खैर खैरियत होनी चाहिए सारा। ये आप ओपन कर रहे हैं, आप देखें ये वाला, मुझे अभी सही बात है, मैं सही बताऊँ ना, मुझे इसका कुछ पता नहीं है, मुझे आप यूज़ करना सिखाएंगे तो फिर, क्योंकि बाहर अगर इसको आपने यूज़ करना आता है ना, तो फिर थोड़ी एहतियात भी करनी पड़ती है, क्योंकि और साइड पे फिर ये है कि गाड़ियाँ भी होती हैं, बाकी चीज़ें भी होती हैं, तो सारा ये एहतियात से यूज़ करना पड़ता है। लेकिन यह है कि मैं इंशाल्लाह ताला सीख लूँगी, जहाँ जितने काम सीख ली हैं तो ये भी सीख लूँगी, बाकी कामों की तो मैं माहिर में कर लेती हूँ सारे काम, लेकिन ये जो है ना इस तरह की चीज़ों का ये मुझे इतना शौक नहीं है इनको यूज़ करने का। ये ऐसे तो मेरे हस्बैंड तो माहिर हैं, इन्होंने गाड़ी भी ठीक कर ली है, दोबारा से मैं सही सहरी के बाद इन्होंने उसको भी ठीक कर लिया, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाके, अभी आप ये देखें। Oh shit!